तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहारियों के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को जोड़कर संबंधित सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे थे उसके आलोक में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। तमिलनाडु में हिंसात्मक वीडियो वायरल मामले को लेकर अब बिहार ईओयू की टीम लगातार इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो की जांच करते हुए इस मामले में 30 वीडियो को पुलिस ईओयू की टीम ने खंगाला है, जिसमें 4 लोगों पर नामजद FIR किया गया। वहीं एक जमुई के रहने वाले अमन कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हिंसात्मक वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे सूबे में हड़कंप का माहौल था और वो बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ कहा है, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहारियों के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को जोड़कर संबंधित सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे थे उसके आलोक में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई। आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में, आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत वहां पर एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के विरुद्ध 10 सदस्यीय विशेष जांच का दल का गठन किया गया और इस गठन के उपरांत में बहुत सारे सत्यापन हुए। कुल 30 इस तरह के वीडियो, लिंक, पोस्ट और SMS मिले हैं, जिसका कि पुलिस अभी जांच कर रही है। उसमें 4 वीडियो और 4 जो हमारी भ्रामक न्यूज़ थी और जो उकसाने वाली थी, भड़काने वाली थी, उस पर पुलिस के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अमन नाम का है, जो जमुई का रहने वाला है। उसके द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो पूर्णतः असत्य, भ्रामक और पूर्व में घटित घटना के संबंध में था, जिसको कि इस आज कल में जो घटनाएं वहां हो रही हैं उससे जोड़ के बनाया गया था। एक उसमें वीडियो था जिसमें दिखाया जा रहा था कि हत्या कर दी गई है बिहार के लोगों की और मारकर लटका दिया गया। यह घटना जांच में पाया गया कि सुसाइड की घटना थी और घटना इसको हत्या का रूप दिया गया। पुरानी घटना थी और तमिलनाडु की थी, उसको बिहार के लोगों को मार के लटकाने वाला वीडियो बनाया गया। इसी तरह से एक और वीडियो को जारी किया गया जिसमें था कि बिहार के रहने वाले लोगों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासी मारपीट कर रहे हैं, जबकि यह पाया गया कि झारखंड एवं बिहार के बीच की घटना है, इसमें तमिलनाडु का कोई लेना देना नहीं है। और पत्नी की के ऊपर कोई कहा सुनी और कमेंट हो गया था, उसके कारण दोनों लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। ये झारखंड और बिहार के लोगों के झगड़ा था, वहाँ पर हुआ था, उसको ये इस तरह से प्रसारित किया गया कि ये ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के लोग बिहार के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को भी गलत पाया गया और इसकी भी जांच की गई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। इसके अलावा तमाम उकसाने वाले, भड़काने वाले मैसेज और पोस्ट भी वहाँ किए गए हैं और उसके संबंध में भी जो है हम लोगों ने 4 लोगों पर नामजद, जो हमारे गड़बड़ पोस्ट थे, वीडियो थे, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है जो अमन कुमार सन ऑफ मनोज रविदास, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई का रहने वाला है। उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ उसमें तो जाहिर सी बात है जिस तरह से हिंसात्मक वीडियो वायरल होने के बाद पूरा हड़कंप का माहौल था, वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ईओयू की टीम अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए उन वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने में जुट गई है। वहीं 30 वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले जाने की खबर से उन्होंने इसकी जांच करते हुए 5 लोगों पर कुल कार्रवाई की है और वहीं इसमें एक व्यक्ति युवक जो कि अमन कुमार नाम के जमुई जिले का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें इंफॉर्मेशन।